Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Dear student, today we will be discuss about the Balochistan Plateau, page number 12. आज जो है हम बलोचिस्तान प्लेट्यू जो है उसको स्टडी करेंगे, पेज नंबर 12 देखें. तो ये हम स्टडी करते हैं. मोस्ट ऑफ द बलोचिस्तान प्लेट्यू, यानी कि बलोचिस्तान के जो जो पोटोहार हैं या इसका जो इलाका है बलोचिस्तान के पोटोहार को हम स्टडी करते हैं. मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ बलोचिस्तान लैंड इज रॉकी एंड सैंडी. अब जो देखा जाए कि बलोचिस्तान की जो ज़्यादातर ज़मीन है वो रॉकी है एंड सैंडी है, यानी कि रेतली है, रॉकी है. There is very little rainfall in these areas with some rainfalls in the winter. Winter में some rainfalls होती है, लेकिन अगर इस इलाके को देखा जाए तो इस एरिया इसके अंदर बहुत कम बारिश होती है. ठीक है, this is one of the reason, यही एक वजह है. Why this region के why this region के क्यों ये जो खित्ता है इज मोस्ट ड्राई एंड बैरन एरिया इन पाकिस्तान के अंदर, ये जो क्यों खुश्क और बैरन है ये वाला, मतलब बंजर है ये वाला इलाका पाकिस्तान के अंदर. इट इज़ जियोग्राफिकली द लार्जेस्ट ऑफ द फोर प्रोविंसेस, यहाँ पे जो चारों सूबे हैं एट 347,190 स्क्वायर किलोमीटर किलोमीटर और 1,34,051 स्क्वायर मील्स ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी एंड कंपोजिस. अगर इसका कंपोजिस देखा जाए 48% ऑफ द टोटल लैंड एरिया पाकिस्तान, तो इसका 48% जो कंपोजिस है, जो पूरी जो हमारी टोटल लैंड है पाकिस्तान की उस पर मुश्तमल है. द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी लो, जो डेंसिटी है यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन की, ड्यू टू माउंटेन टेरियन की वजह से, पहाड़ों की वजह से, मतलब यहाँ पे आबादी बहुत कम है. एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से भी है. एंड साउथर्न रीजन एज मकरान, जो इसका जनूबी हिस्सा है वो मकरान के नाम से जाना जाता है. एंड सेंट्रल रीजन, और जो मरकजी हिस्सा है उस वो कलाट के नाम से जाना जाता है, उसको नोन एज कलाट कहते हैं जिसको. तो यही था हमारा आज का टॉपिक है. आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से डिस्कस करना है, बलोचिस्तान प्लेट्यू को, और इसके जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करने हैं. नेक्स्ट हम अगले टॉपिक को स्टडी करेंगे. सो अल्लाह हाफिज़.